पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान के लोग इस वक्त मौजूदा हुकूमत से तवक्कु रखते हैं कि क्या पेट्रोल की कीमतें फिर कम की जाएंगी। अगर पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ाई गईं तो उसके बावजूद क्या रोजमर्रा की जो जिंदगी में खाने वाली चीजें हैं क्या उनकी भी कीमतों में इजाफा होगा। अगर यही सवाल है पाकिस्तान के लोगों का, कराची ऐसा शहर जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग इस शहर में बसते हैं और यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम से मसाइलों का भी सामना करते हैं। पर मसाइल यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि महंगाई का आलम है। महंगाई जहाँ पे उरूज पे पहुँच चुकी है वहीं पे बहुत से मसले भी हैं यहाँ पे। पर वही बात आती है कि मौजूदा हुक्मरान अपने कानों में रूही डाल के ऐवानों में बैठे हुए हैं और उनके मसाइल ऐवानों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आज बात करेंगे कराची में मुख्तलिफ लोगों से और उनसे पूछेंगे कि क्या महंगाई के बाद आज वो कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आए बात कर रहे हैं कराची में मुख्तलिफ लोगों से और उनसे पूछते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी आज इतनी महंगाई में वो कैसे गुजार रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो डेली बेसिस पे जो इजाफा हो रहा है ये एक बहुत गलत बात है। अब हुकूमत को इसके बारे में थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे मुल्क की आवाम है जो बहुत पसमानदा है और ऊपर से दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ये हमारे लिए एक बहुत मतलब गलत बात कह सकते हैं। यहाँ से बहुत जो आम लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। इसमें मेरी राय भी यही है जो आम पब्लिक की राय है, महंगाई तो कोई भी नहीं चाहता इस जाते ज़माने में। जो मैं एक मेन बात करूंगा कि जो लोग जुर्म करते हैं ना, ये छोटी मोटी चोरी वोरी, मेरा ख्याल है कि उनका कोई जुर्म ये नहीं, महंगाई नहीं, ये सारा जो जुर्म है ये बढ़ा दीजिए, अल्लाह ताला ही चला रहा है हम लोगों को। देखो इससे पहले भी महंगाइयाँ होती रही हैं, कोई आज की कोई नई बात नहीं है। 1980 में देखो महंगाई कितना नहीं था, लोगों का गुजारा होता था, 68 बच्चे भी होते थे लोगों के, सबका पूरा पड़ता था। आजकल के तो दौर में ज़रा सा डीजल बढ़ता है तो किरायों का वैगनों का किराया 20-20 रुपये हो जाता है, तो गरीब आदमी कहाँ से पूरी करेगा? जिसकी 200 रुपया दिहाड़ी है वो कहाँ से अपने घर बार को चलाएगा? बच्चों को स्कूलों के लिए भेजो तो वो वैगन वाले उनको बोलते हैं 10-10 रुपये, तो कहाँ से देंगे बच्चे 10? एक एक स्टाफ का 10-10 रुपया, अगर एक घर से 4 बच्चे जा रहे हैं स्कूल पढ़ने और 2 नौकरी करने जा रहे हैं तो 200 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला आदमी क्या करेगा? घर का आटा चीनी चलाएगा या घर को चलाएगा? भाई वो तो सब वोट लेना होता है ना उनको, उस वक्त तक बस होते हैं वो लोग सारे कि हाँ जी हम तुम्हारे लिए ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन करता कराता कोई भी कुछ नहीं किसी के लिए भी। हम लोग तो बहुत मजबूर हुए हैं कराची शहर के अंदर खासकर, क्योंकि हमारा मुल्क इतना अच्छा मुल्क था कि आज इस मुल्क को देख कर हम लोगों को दुख होता है कि हमारा बचपना बहुत अच्छा गुजरा और आगे वाला बचपना जो है बच्चों का वो बहुत मुश्किल में गुजर रहा है। गवर्नमेंट का खुद का कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी फैसले पे, किसी उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट वो करती है फैसला दे देती है, उसके बाद एक आर्डिनेंस आ जाता है। गवर्नमेंट का अपना कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब अपनी गिरफ्त उसकी जो है गिरफ्त मजबूत नहीं है कोई एस्टेब्लिशमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी कुछ फैसला है कभी कुछ फैसला है, ये तो कोई आवाम पर पड़ रहा है ये तो सीधा सीधा। मकसद गवर्नमेंट का अपना रिलीफ है, मकसद आवाम की रिलीफ कोई नहीं देखेगा तो फिर आवाम का कौन करेगा? आवाम के उससे गवर्नमेंट मुंतखब होती है, आवाम की उनको फैसिलिटीज सोचनी चाहिए, उनको खुद देखना चाहिए और जहाँ तक उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि फैसिलिटीज़ या आवाम की बात गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ या उनके अगर खुद के हाथ में कुछ उनके है तो कुछ करके दिखाएं। ये क्या ये तो कुछ वो नहीं है कि कभी कुछ है कभी कुछ है, हैंकी पैकी सिस्टम, दिस इज हैंकी पैकी सिस्टम, कि कोई सिस्टम में कोई वो नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ग्रिप नहीं है गवर्नमेंट की अपनी, कभी खुद कुछ फैसला कर देती है कभी उसी के बिल्कुल मद्देनजर कोई दूसरा फैसला आ जाता है। गुजारा कर रहे हैं क्या, खुदकुशी तो नहीं कर सकते, गुजारा तो कर रहे हैं बस क्या करें, मसले को अल्लाह ही हल कर सकता है, बाकी बंदे के हाथ में नहीं है। अब पाकिस्तान को अल्लाह ही चला रहा है, बाकी बंदा कोई नहीं चला सकता। बस आपके सामने इतनी महंगाई है, अब वक्त पास हो रहा है बस बड़ी मुश्किल से, ये टैक्सी कम चलाता हूँ अपने काम में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। डेफिनेटली एक तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन द सेंस कि गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि आप तमाम जो उसका बोझ हो उसको कंज्यूमर को पास ऑन करें। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के डोमेस्टिक ड्रिवन होनी चाहिए, कंज्यूमर ड्रिवन होनी चाहिए, ना कि आप जो है IMF से उनकी डिक्टेशन लें आप और उनकी पॉलिसीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, राइट?
तो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है आई बिलीव एंड आई थिंक इट इज़ इन फेवर ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो ओवरऑल गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो और जो इनके अपने आई मीन नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज हैं देयर फॉरेन टूर्स राइट देयर पर नाइट एक्सपेंडिचर आई मीन एवरीबडी नोज दिस दिस शुड बी कर्टेल. तो अगर इस तरह की पॉलिसीज हों तो डेफिनेटली फिर कंट्री ओवरऑल डेवलप करेगा और हर एक जो है तो अपनी लाइफ उसकी अच्छी होगी. तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल बेसिकली. तो अगर पीपल का वेलफेयर होगा तो उसमें फिर सब कुछ होंगे. ये मैं क्या एवरीबडी नोज की कौन जिम्मेदार है एक अथॉरिटी है पूरी गवर्नमेंट है दे शुड बी लाइक कंसर्न अबाउट इट कि जनरल पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है और किस तरह होना चाहिए आम लोग किस तरह महंगाई को कम करने का मतलब ये कि आप प्रोटेस्ट करें लोग एटलीस्ट नॉइस तो रेस करें इसको लेके क्योंकि हमारा ये हाल है कि हम जो भी होता है एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं. अब इंडिविजुअली तो कुछ भी नहीं होता एक टोटली एक चीज़ होती है अगर हर एक आवाज़ उठाए हर एक प्रोटेस्ट करे इसको तो जाहिर है गवर्नमेंट पर ही प्रेशर पड़ेगा.